तो दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि शादियों में खाने का बजट कितना होना चाहिए, क्या क्या मेन्यू होना चाहिए खाने का, और कितने प्रकार के खाने के स्टॉल होने चाहिए ताकि जो लोग आए वहाँ पे, हमारे मेहमान आते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा उनको खिलाएं। तो वैसे ही कुछ मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो कुछ अलग टाइप की है, पसंद आए तो लाइक करना। ऐसा किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, बस ये आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि एक अलग ट्रेंड है ये हल्द्वानी में मेरी वीडियो के द्वारा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छी लगे तो आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो कुछ अलग तरीके से है, क्योंकि जो आज की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों शादियों का सीज़न आ रहा है, बहुत लोगों की डिमांड होती है कि कैटरिंग का काम कैसे होगा, कैसा मैनेजमेंट होगा। तो दोस्तों आज ऐसा ही मैं ऐसी ही वीडियो मैं आज बना रहा हूँ आपके लिए, और पूरा मैं एक दिखाऊँगा एक किस शादी में किस तरीके से पूरा का पूरा मैनेज करा जाता है, खाने का क्या क्या स्टॉल लगते हैं और क्या क्या फूड होता है, और जिनका ये पूरा काम है, जिनकी पूरी कैटरिंग है, उनसे भी एक छोटी सी बात करवाऊंगा और उनका नंबर भी मैं वीडियोस में डाल दूंगा ताकि आप उनसे बात कर सकते हैं इस तरीके से काम के। तो चलते हैं दोस्तों दिखाने आपको क्या क्या है पूरा यहाँ पर खाने का आइटम। तो दोस्तों दीप कैटर्स का कैटरिंग है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से देखिए ये स्नैक्स का आइटम है। तो भैया ये काउंटर काय का लगा हुआ है? चाट का। देखिए कुछ इस तरीके की आपको चाट मिल जाएंगी, और ये दही बल्ले हैं, पापड़ी, पूरा का पूरा जो जितने आपको यहाँ पे वेटर्स मिलेंगे सारे ड्रेसेस में हैं, वेल प्रिपेयर हैं। दोस्तों इस समय मेरे सामने भैया हैं जिनकी पूरी ये कैटरिंग है, थोड़ा सा जानते हैं भैया कितना पुराना कारोबार है और क्या क्या इस लाइन में वो करते हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार सर। तो भैया पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। नाम परमजीत सिंह है सर। तो भैया अपना ये कैटरिंग काम कितने समय से है? देखो 6 साल हो गए सर इस लाइन में। अच्छा, हल्द्वानी में ही? हाँ जी, दीप कैटर्स के नाम से मैंने कारोबार अपना खोला है। एक शौक था बचपन से कि एक कैटरिंग का काम शुरू किया जाए, तो इस 6 साल से मैं इस लाइन में हूँ। 6 साल से इस लाइन पर? हाँ जी। अच्छा, तो कैटरिंग का जो आपका जो मेन्यू होता है वो किस हिसाब से होता है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? सर ये पर पैक्स के हिसाब से होता है, जैसे 50 जने हैं उनने मेन कोर्स मांगा, मेन कोर्स दे देते हैं। आज जैसे हमारे पास बहुत बड़ा इवेंट्स है, ये पूरा सारा सेटअप हमारा है, ये जितना भी आप देख रहे हो जिसमें चाट है और आपका स्नैक्स है, मेन कोर्स है, मॉकटेल है, फ्रूट काउंटर है हमारे पास, तरह तरह की वेराइटी है हमारे पास। चाट में भी 7-8 वेराइटी है, स्नैक्स में भी 5-7 वेराइटी है, मॉकटेल और जूस है हमारे पास, काफ़ी आइटम है। अच्छा, जैसे कि हम कुमाऊँ से संबंधित रखते हैं, तो कुमाऊँ का जैसे कोई हमारी शादी या प्रोग्राम होता है तो अगर कुमाऊँनी फूड अगर वो मांगते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड करवा देते हैं? बिल्कुल सर, हम कुमाऊँनी रायता देते हैं स्पेशल तौर पे। कुमाऊँनी? हाँ जी, कुमाऊँनी रायता जो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का फूड, वो स्पेशल जरूर रखते हैं हम हर कुमाऊँनी शादी में। कुमाऊँनी शादी? हाँ जी। अच्छा, कितने किस्म का यहाँ पे लगभग आपका मेन्यू हो जाता है यहाँ पे जो आप बनाते हो? मेन्यू कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के हिसाब से। बिल्कुल, उनके बजट के हिसाब से। बस बजट के हिसाब से हम पैकेज पूरा बना के दे देते हैं। पैकेज बना के दे सकते हैं? तो दोस्तों बजट के अनुसार जो होता है, भैया का नंबर भी मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो भैया वैसे अपने हल्द्वानी में ऑफिस कहाँ पर है? मेरा हुआ सर सुंदरम होटल से आगे जी। हाँ जी, डिफेंस एकेडमी के सामने। बिल्कुल, सुंदरम होटल के पास है भैया का, वहाँ पे डिफेंस एकेडमी के, पूरी लोकेशन में डाल दूंगा वीडियो में, आप संपर्क कर सकते हैं। तो भैया ये पूरा आप ही देखते हो या आपकी पूरी टीम है? मैं देखता हूँ, पूरी मेरी टीम है। ये मेरे मैनेजर साहब हैं जो कि पूरा सुपरविजन करते होंगे यहाँ पे। भैया आपका क्या नाम है? दीपक रुवाली। दीपक रुवाली? रुवाली। तो दीपक भैया का भी नंबर मैं डाल दूंगा, और अगर आपको भैया का नंबर न मिले तो भैया आप पूरा देखते हैं? अच्छा, पूरा मैनेजमेंट? पूरा मैनेजमेंट। अच्छा, जैसे कोई पहाड़ में जैसे करवाना चाहे या हल्द्वानी से बाहर करवाना चाहे? सर अभी रानीखेत हमारी बुक है। अच्छा, बुक? हाँ जी, आने वाले 2 दिसंबर को रानीखेत सारा इवेंट है हमारा पूरा। दार चूला भी है। इसके अलावा कोई स्पेशल पैकेज वगैरह चलता है आपका? पैकेज हम कम से कम भी बना के देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारा पैकेज चलता है। बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे आज वैसे कितने किस्म का मेन्यू लगा हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए।
करीबन हमारे पास 10 12 से 13 जो है मेन कोर्स में आइटम है, 8 चाट है हमारे पास, 7 स्नैक्स हैं, और मॉकटेल में हमारे पास 3 मॉकटेल हैं, 2 शेक हैं, और फ्रूट्स में हमारे पास कम से कम 5+5 आइटम हैं, 5 इंडियन 5 इम्पोर्टेड। तो हमें भी कुछ यहाँ पे टेस्ट करवाएंगे ताकि थोड़ा बहुत हम भी बताएंगे आपको कि अपने दर्शकों को कैसा फूड है, कैसी कैटरिंग है, और थोड़ा सा बताना आप हमें किस किस तरह का आपका काउंटर लगे हुए हैं। तो भैया थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप है यहाँ पे, अभी भैया के थ्रू ही मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन सा किस कैसा काउंटर है, कौन सा लगा हुआ है। तो वीडियो में आप बने रहना, भैया के कोई भी आपको शादी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो भैया को आप फ़ोन कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों। ये आपकी पाव भाजी दोस्तों, तो दोस्तों ये बन रही है यहाँ पे इमरती और यहाँ पे रबड़ी है। तो ये काय का काउंटर भैया, स्नैक्स काउंटर है। दोस्तों ये है वेज मंचूरियन बन रहा है यहाँ पर, ये पालक पनीर डल रहा है दोस्तों। ये दाल तड़का है, ये दाल तड़का है। तो दोस्तों ये यहाँ पे दाल मखनी का देखिए किस तरीके से लकड़ी के, भैया लकड़ी का क्या है ये, बेलचा, लकड़ी का बेलचा जिससे दाल मखनी घोटी जा रही है। मटर जीरा राइस, मटर पुलाव। दोस्तों प्लेट मेरी आ चुकी है, आप लोग लीजिए वीडियो का मज़ा, मैं लेता हूँ खाने का मज़ा। तो दोस्तों प्लेट हमारी आ चुकी है, देखिए आपका पनीर टिक्का हमारा आया है बनके, और वेज स्प्रिंग रोल हैं, और फिंगर चिप्स हैं, और ये आपकी मंचूरियन, वेज मंचूरियन। तो टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट। और ये देखिए ये मॉकटेल है, ड्रिंक, मॉकटेल ड्रिंक, काफ़ी आइटम मिले हैं, चाहे शादी हो, चाहे दुकान हो, या फूड स्टॉल हो, टेस्ट तो हम करेंगे ही और फिर बताएंगे आपको कैसा स्वाद है दीप कैटर्स का। थोड़ी चटनी के साथ बहुत बढ़िया।
और ये पनीर, पनीर की मैं आपको लेयर दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा टाइट है क्योंकि टिक्का है, पनीर टिक्का तो टाइट ही होता है। और ड्रिंक पीते हैं, नींबू वाली लेमन फ्लेवर है ये, काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा बहुत बढ़िया। और ये आप देखिए, पास आइए थोड़ा, ये इसका भी टेस्ट लेते हैं, बताते हैं आपको। टेस्ट भी सही है, टेस्ट बढ़िया है भैया। थोड़ा सा मुझे और गाइड कर दीजिए भैया, ये जो सूप है ये काय का है? ये देखने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो पनीर का, ये तो पनीर वाला लग रहा है मुझे, टमाटो सूप है। स्वीट कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है। और ये ड्रिंक लेमन है ना, लेमन मॉकटेल, ब्लू क्रासो, बहुत लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। और ये फिंगर चिप्स हैं आपके, ये वेज स्प्रिंग रोल, बाहर से बिल्कुल करारे करारे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट वेजीज हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैंने तो दीप कैटर्स का पूरा यहाँ पे मेन्यू टेस्ट करा, मेन कोर्स नहीं करा, मेन कोर्स मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको कैटरिंग के संबंधित कोई भी अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो दीप भैया जरा आप सामने आ जाइए एक बार, मैं भैया को फिर मैं आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ। भैया के साथ, भैया का नंबर मैं डाल दूँगा, पूरी की पूरी आप जानकारी भैया से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप ही के लिए ये वीडियो लेके आया था क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा है, ये हर किसी की इंक्वायरी होती है कौन कैसा करना चाहे, तो भैया के थ्रू आपको पूरा का पूरा समाधान मिल जाएगा आपको कैटरिंग से संबंधित। मिलूँगा नई जगह, नए स्वाद को दिखाऊँगा, नए जायके को दिखाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।